वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक और न्यूमेरिकल लेकर हम हाजिर हुए हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेमेटिक्स के अंदर। अभी तक हम वन डायमेंशन के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इसके बाद हम टू डायमेंशन पर आएंगे, लेकिन अभी वन डायमेंशन कर रहे हैं। अब देखिए लिफ्ट के बारे में क्या लिखा है। लिफ्ट ऊपर से चलना शुरू करती है एक शाफ्ट के और नीचे की तरफ गिर रही है। लिफ्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ माइन शाफ्ट, माइन शाफ्ट के टॉप से चलती है और नीचे डिसेंड कर रही है, माने नीचे की तरफ आ रही है। उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। 4 सेकेंड के बाद एक लड़का ऊपर की तरफ पत्थर फेंकता है लिफ्ट के टॉप से और उसकी स्पीड 40 है। अब ये कब और कहां मिलेंगे ये निकालना है आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगा। पहला मेथड है जहां पर हम रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे बल्कि एब्सोल्यूट मोशन की बात करेंगे। सो एब्सोल्यूट मोशन में क्या है, आप शाफ्ट से बाहर खड़े हो तो जिस बच्चे ने पत्थर फेंका लड़के ने, वो पत्थर पहले ऊपर जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी उसकी जीरो होगी टॉप में, वहां से फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन इस पूरे खेल से पहले जब उसने पत्थर फेंका, अब देखिए उससे पहले लिफ्ट 40 मीटर नीचे आ चुकी है क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड लिफ्ट की हमारे पास स्पीड है और 4 सेकंड बाद फेंका आई है। आफ्टर 4 सेकंड लिफ्ट इज 40 मीटर डाउन। अब आप कीजिए आफ्टर लेट्स से टाइम टी, दे मिलते हैं, उनके मिलने का टाइम मैंने टी मान लिया। अब टी टाइम में स्टोन ने कितना चलना है, 30t-5t2। इसमें मैंने ut-1/2at2 को यूज किया और कुछ नहीं किया, ut-1/2at2। यू मेरा 30 है और g की वैल्यू आपको मालूम है 10 है, तो ut-1/2at2 इतनी वैल्यू आ गई। इतनी देर में लिफ्ट भी कुछ नीचे और भाग जाएगी, लिफ्ट कितना आएगी -10t नीचे आ जाएगी क्योंकि नीचे ही जा रही है ना डाउनवर्ड। अब ये दोनों का डिस्टेंस लिफ्ट के चलना है वो किसके बराबर होना चाहिए, 40 के। तो हमने क्या किया, इसको लिफ्ट में 40 को और जोड़ दिया क्योंकि लिफ्ट 40 और नीचे है, और उसके बाद ये इक्वेशन आपके सामने बना दी, 30t-5t2 -10t+40। इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, t²-8t-t=0 आ गया। t को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू लगभग 4+2√6 एग्जैक्ट वैल्यू में लगभग 8.9 सेकंड, और यहां पर आपके पास लिफ्ट चली है 12.9 क्योंकि 8 सेकंड 4 सेकंड पहले चल चुकी थी, इसके लिए 4 को 8 में जोड़ना पड़ेगा आपको 8.9 में। सो मेरा टोटल टाइम हो गया 12.9 सेकंड इंटू 10, उसकी स्पीड कांस्टेंट 129 मीटर आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन के अप्रोच से कर सकते हैं। आप क्या करें, आप अपने आप को लिफ्ट के अंदर खड़ा कर दें। जब आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाएंगे तो आपको, क्योंकि लिफ्ट 10 से नीचे जा रही है और पत्थर ऊपर जा रहा है, आपको उस बच्चे की स्पीड, वैल्यू ऑफ स्पीड जिससे उसने पत्थर को फेंका, वो 30 नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी क्योंकि 10 नीचे आ रहा है और 30 ऊपर जा रहा है। तो उस केस में अब देखिए हम रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं। रिलेटिव मोशन में आप देखिए हमारे पास एस कितना हो गया, -40, ये तो वही का वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप जिस समय जहां पर आप खड़े हैं वहां से लिफ्ट को -40 नीचे आना है, ठीक है, आप वहां खड़े हैं लिफ्ट के अंदर। अब हो क्या रहा है, यू की वैल्यू आ गई 40 क्योंकि 30 नीचे और 10 ऊपर, तो उल्टा बोल गया मैंने, 30 ऊपर 10 नीचे, एक्सेलरेशन -10, तो आपको अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है, -40 पे पहुंचना है। तो -40 = 40t-5t2 क्योंकि जब आप खड़े थे तो आपको कितना नीचे जाना था, -40। इस वजह से आपके पास इक्वेशन आ गई 5t²-40t-40, जो इक्वेशन एग्जैक्टली पिछली बार वाली इक्वेशन ही है। तो रिलेटिव मोशन से इसको इस तरह किया जा सकता है, और आप इसी तरह एब्सोल्यूट मोशन में भी कर सकते हैं। मैंने आपके सामने दोनों तरीकों से कर ये बताने की कोशिश की है। रिलेटिव मोशन में कैलकुलेशन आसान है, लेकिन आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट माइंड में टोटली क्लियर हो जाए कि कहां पर आपने क्या क्या लेना है।
बस इतना आप समझ गए तो आपका काम हो गया। चलिए, आई बिलीव और आशा करता हूं, आई होप, बिलीव से ज्यादा होप है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरह करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप इसको आसानी से समझ लीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चंस के लिए।